हेलो भैया, हम आ गए हैं आपके लिए एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। हम सब ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए और बहुत से वेरिफिकेशन में OTP का यूज़ किया है। OTP क्या होती है, कैसे काम करती है, हम उसकी पूरी जानकारी देंगे। आप इस वीडियो के एंड तक देखें और भैया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। आप देख रहे हैं भैया जी शो सलमान के साथ। OTP क्या है? OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। ऑनलाइन वेरिफिकेशन, लॉगिन, साइनअप, बैंकिंग, टिकट बुकिंग, शेयर कैब बुक करते हुए कई वेबसाइट्स और एप्लीकेशन यूज़र वेरीफाई करने के लिए OTP मांगती है। ये वन टाइम पासवर्ड कभी ईमेल तो कभी फ़ोन के मैसेज के इनबॉक्स में आता है। OTP मतलब ऐसा पासवर्ड जो सिर्फ एक ही बार के लिए प्रयोग हो सकता है। जब भी ईमेल में लॉगिन करना होता है, हमेशा एक ही पासवर्ड से लॉगिन करते हैं। यदि बैंक ट्रांजेक्शन की बात की जाए तो नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए हमेशा एक ही पासवर्ड यूज़ किया जाता है। जब ट्रांजेक्शन करते हो, कहीं पैसा भेजना होता है तो बैंक से एक मैसेज आता है, यही मैसेज OTP है। मतलब एक ऐसा पासवर्ड जो सिर्फ एक बार ही यूज़ किया जा सकता है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन, लॉगिन, टिकट बुकिंग या ऑनलाइन शॉपिंग के बाद पेमेंट करना होता है, जिसके लिए घर बैठे सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। घर बैठे सुविधा मतलब नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, भीम, पेटीएम, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं। यदि सिर्फ ATM पासवर्ड से पेमेंट हो जाए तो क्या होगा, इसलिए ऑनलाइन पेमेंट करते समय OTP नंबर की ज़रूरत होती है। ये एक SMS के रूप में आपके मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आता है। OTP कोड 4 से लेकर 8 अंकों का भी होता है। OTP वेरिफिकेशन किए बिना आप किसी भी अकाउंट से पेमेंट नहीं कर सकते हैं। OTP का यूज़ अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। कुछ वेबसाइट्स या एप्लीकेशन यूज़र वेरिफिकेशन के लिए OTP का यूज़ करती हैं। अक्सर यूज़र अकाउंट जीमेल, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर का पासवर्ड भूल जाते हैं जब हम, तो इसे रीसेट करने के लिए ईमेल पर लिंक भेजा जाता है या SMS में OTP भेजा जाता है और वेबसाइट एप्लीकेशन द्वारा भेजा गया OTP की मदद से पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं। डिजिटल एरा में ऑनलाइन हैकिंग का खतरा काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में OTP एक तरह का सिक्योरिटी है। किसी के हाथ यदि नेट बैंकिंग का ID पासवर्ड लग जाए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन OTP की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता है। कभी फेसबुक या जीमेल पर कोई लॉगिन करता है तो उसका मैसेज भी आ जाता है। OTP से आपका अकाउंट सुरक्षित रहता है। मैं आपको SBI का उदाहरण देता हूँ। जब भी SBI के नेट बैंकिंग के द्वारा ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हैं, SBI रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजता है, जिसके बिना ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता है। यदि पासवर्ड किसी को पता भी चल गया तो भी अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास रजिस्टर्ड फ़ोन नहीं है। OTP तीन तरह से भेजा जाता है। SMS OTP, ये रजिस्टर्ड मोबाइल पर SMS द्वारा भेजा जाता है। अधिकतर वेबसाइट इसी का उपयोग करती है। ये आसान और सुरक्षित है। वॉइस कॉलिंग OTP, ये रजिस्टर्ड मोबाइल पर फ़ोन कॉल कर भेजा जाता है। कई बार जब मैसेज डिलीवर होने में लेट होता है तो कॉल किया जाता है। ईमेल OTP, इसमें रजिस्टर्ड ईमेल ID ईमेल में OTP भेजा जाता है। इंडिया में इसका यूज़ बहुत कम किया जाता है। OTP कुछ वैलिडिटी भी होती है। बैंक OTP की वैलिडिटी 20 मिनट के अप्रॉक्स होता है। यदि इस OTP का यूज़ 20 मिनट के बाद किया जाए तो ये इनवैलिड हो जाती है। डिजिटल एरा में हैकिंग का खतरा बहुत बढ़ गया है। ऐसे में OTP एक सुरक्षित ऑप्शन है, इसका यूज़ करना चाहिए। यदि आप जीमेल में 2-स्टेप वेरिफिकेशन यूज़ करते हो, लेकिन कभी अगर आपने फ़ोन खो दिया तो क्या करें। ऐसे में 2-स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करते समय जीमेल कुछ कोड देता है, जिसका यूज़ कर लॉगिन कर सकते हैं। तो भैया, ये था पूरा खेल OTP का। और एक बात ज़रूर ध्यान रखें, कभी भी अपनी OTP किसी के साथ शेयर न करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहें आप हमारे साथ। अगर ये वीडियो आप FB पर देख रहे हैं तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जय हिंद।